हेलो फ्रेंड्स यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ए टू जेड तो आज हम लोग देखेंगे मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे तो चलिए देखते हैं इस सिद्धांत का वर्णन जो मार्क्स ने है अपनी पुस्तक दास कैपिटल में किया हुआ है उनके अनुसार क्या है अतिरिक्त मूल्य है क्या उनके अनुसार उनके अनुसार अतिरिक्त इसी अतिरिक्त मूल्य में पूंजीपति वर्ग की संपन्नता विलासिता एकाधिकार मतलब मोनोपोली तथा सर्वहारा वर्ग के शोषण और दमन का मूल रहस्य छिपा हुआ है मतलब उन्होंने समझाया है कि जो पूंजीपति जो इतना कैपिटलिस्ट जो कैपिटलिस्ट है इतना प्रॉस्पेरस हो रहा है उसकी लग्जरियस लाइफ है बिल्कुल मोनोपोली है मार्केट में तो ये क्या है ये प्लोलेटरिएट के जो शोषण कर रहा है जब इसी में सब कुछ इसका इसी के कारण अतिरिक्त मूल्य के ही उसमें ये सब चीज़ें छुपी हुई हैं जो अतिरिक्त मूल्य से वो प्रॉफिट उसको मिल रहा है उसी के कारण ये सब करने में वो सक्षम है जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है वो रिकार्डो और स्मिथ जैसे अर्थशास्त्रियों के एक सिद्धांत पे आधारित है उस सिद्धांत का नाम है मूल्य के श्रम के सिद्धांत इस पे आधारित है मूल्य के श्रम के सिद्धांत पर है ना इसका नाम इंग्लिश में इसको कहेंगे मूल्य के श्रम के सिद्धांत स्मिथ के उस पे बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ लेबर एंड प्राइस प्रिंसिपल ऑफ लेबर एंड प्राइस मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य है क्या अतिरिक्त मूल्य वह मूल्य है जिसे कोई श्रमिक अपनी श्रम शक्ति के बदले में व्यय किए गए मूल्य के अतिरिक्त उत्पन्न करता है और इसके अलावा मार्क्स के अलावा तो मार्क्स के अलावा और कई लोगों ने इसके बारे में बताया है जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली रा, राधाकृष्णन ने की एक डेफिनेशन है उसके बारे में समझते हैं उन्होंने अपनी एक पुस्तक है रिलीजन एंड सोसाइटी में लिखा है श्रमिक वर्ग की दृष्टि में पूंजीपति का लाभ अतिरिक्त मूल्य होता है जिसको कामगार उत्पन्न करते हैं और बुरजुआ वर्ग चुरा लेता है क्या है श्रमिक वर्ग की दृष्टि में पूंजीपति का लाभ जो है वो अतिरिक्त मूल्य होता है जो पूंजीपति को लाभ होता है कैपिटलिस्ट को जो प्रॉफिट होता है वही है सरप्लस वैल्यू जिसको प्रोड्यूस कौन करता है कामगार और उसको चुरा कौन लेता है बुर्जुआ वर्ग अकॉर्डिंग टू लेबर द प्रॉफिट कैपिटल कैपिटलिस्ट इज दैट सरप्लस वैल्यू विच प्रोड्यूस्ड बाई वर्कर आर प्रोलिटेरिएट क्लास बट स्टोलन बाई बोर्जियउस आगे देखते हैं और उन्होंने क्या बताया है इसके बारे में मार्क्स ने कहा है अतिरिक्त मूल्य वह धन है जो श्रमिक के खून पसीने द्वारा पूंजीपति कमाता है कमाता कौन कैपिटलिस्ट और उसमें खून पसीना किसका लगा लेबर का वर्कर का जो वस्तुता व श्रमिक का हिस्सा है जिसे पूंजीपति बला थड़प लेता है श्रमिक वर्ग अत्यधिक परिश्रम करने के बावजूद भी भूखा सो जाता है जबकि पूंजीपति बिना परिश्रम किए ही वैभव तथा विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करता है ये तो शुरू में ही उन्होंने कहा है और इसके अलावा इसमें ये दो टर्म्स भी हैं जो आपको ध्यान रखने हैं क्या है एक है आवश्यक श्रम समय मतलब नेसेसरी लेबर टाइम और अतिरिक्त श्रम समय यानी सरप्लस लेबर टाइम तो इसको समझ लेते हैं आवश्यक श्रम समय वो है मतलब जितने जितना समय जितनी उसको वर्कर को मजदूरी या वेज मिल रही है वो मान लो दो घंटे में दो घंटे के काम से जितना प्रोडक्शन वो दे रहा है उससे उस उसकी सैलरी निकल जाएगी तो हुआ उसका वो आवश्यक श्रम समय बाकी के मान लो पूरे दिन में आठ घंटे की ड्यूटी कर रहा है तो दो घंटे में इतना प्रोड्यूस कर दे रहा है जिससे उसकी सैलरी आ जाए और बाकी के छः घंटे जो एक्स्ट्रा वो काम कर रहा है वो है अतिरिक्त श्रम समय यानी सरप्लस लेबर टाइम और ये जो छः घंटे में जो वो प्रोड्यूस करेगा उसकी जो प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू होगी वही होगी सरप्लस वैल्यू तो आइए देखते हैं इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कैसे कोई मान लीजिए एक उदाहरण जिसको बिल्कुल बिल्कु सिंपल तरीके से समझ लें जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि है क्या फिर उसी को एक्सप्लेन करना है अच्छे से मान लीजिए कोई एक लेबर है कोई एक लेबर है वो काम करता है कितना आठ घंटे आठ घंटे काम कर रहा और उसने जो भी चीज बनाता है उसके पचास पीस बनाए उसने है ना पचास पीस बनाए और हर हर पीस का पचास रुपए दाम है तो पचास गुड़े पचास यानी कि उसने काम किया दिन भर में पच्चीस सौ रुपए का, का काम कर दिया दिन भर में और और उसको सैलरी मिल रही है एक दिन की सैलरी मिल रही है उसको एक दिन की पाँच सौ रुपये तो उसने दिन भर में किया पच्चीस सौ का काम तो उसमें से पाँच सौ उसको मिल रहा है एक दिन का तो यानी कि एक दिन में वो दो हजार रुपये का ज़्यादा काम दे रहा है ये दो हजार रुपये किसके पास जा रहा है ये जा रहा है कैपिटलिस्ट के पास यानी पूंजीपति जो मालिक है ये दो हजार रुपए तो अगर इसको हम मूल्य के रूप में देखें तो सर सरप्लस वैल्यू सरप्लस वैल्यू दो हजार रुपए हो गई दो हजार रुपये जो मालिक ले रहा है और उसको मिल रहा है पचास रुपए ही उसको मिल रहा है सॉरी पांच सौ रुपये पांच सौ रुपये उसने करीब करीब वो वो करता है करीब करीब डेढ़ घंटे काम करेगा पाँच सौ रुपये का कर देगा डेढ़ घंटे में ठीक और ये करीब करेगा साढ़े छः घंटे में और टोटल आठ घंटे है ना तो उसने डेढ़ घंटे में इतना काम कर दिया अपना पाँच सौ रुपये का तो ये तो उसकी मेहनत का हो गया पैसा बाकी उसने दो हज़ार रुपये जो ये कैपिटलिस्ट को दिए हैं साढ़े छः घंटा काम करके तो ये हुआ ये सरप्लस टाइम और ये सरप्लस वैल्यू अतिरिक्त मूल्य ये हुआ और अतिरिक्त समय ये हुआ और नेसेसरी आवश्यक श्रम समय ये है और आवश्यक मूल्य ये है तो आठ घंटे में वो साढ़े छः समय के हिसाब से देखें तो साढ़े छः घंटे वो सरप्लस टाइम दे रहा है और रुपए के तो दो हज़ार रुपये वो सरप्लस वो दे रहा है तो इन्हीं दो हजार रुपये से कैपिटलिस्ट जो है पूरा प्रॉफिट कमा रहा है और दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है और उसी के थ्रू वो अपनी लग्जरी और शोषण कर रहा है प्रोलिटेट का और नए नए उद्योग धंधे बढ़ा रहा है तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा सरप्लस वैल्यू इसी को बढ़ा चढ़ा के समझा के लिखना है और ये आधारित है रिकार्डो इसमें जैसे अर्थशास्त्री हैं जिनका मूल्य के श्रम सिद्धांत पे आधारित है थैंक यू फ्रेंड्स